गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, सो टुडे अ ड्राइंग लेक्चर, राइट? सो यू हैव एवरीबडीज पेंसिल, स्केल, रबर, योर ड्राइंग बुक विथ योर एंड यस नाउ वॉट Yes, we have drawn in first section as only a simple drawing. Second drawing was a circle. We have drawn. Now, we will draw some other thing. Now, okay, chalo, open your page. Right? A new page. Everybody have opened your new page? Very good. So a new page has been opened from your end. Okay. Draw a borders. Yes, everybody knows the border to how to draw. Yes. Chalo. Everybody draw a border. आप सबको पता है ना बॉर्डर कैसे ड्रॉ करना है? यस, स्केल पेंसिल के साथ में कॉर्नर के चारों ओर बॉर्डर्स निकाल लो फटाफट। सबने निकाले? देखो मैंने निकाला है, दिखा आपको? आप सबको दिख रहा है? एवरीबडी कैन सी इट? वेरी गुड। Just go through it. Done. Everybody have drawn a border. Slowly. Don't make a cross lines. The border should be looking very good and thin. Yes. See. To have drawn a borders. Everybody can draw a borders. Quick. Good. So all have drawn the borders. Very good. Now, we will just divide a page. Page should be divided means how it would be divided. The page would be divided in two parts in the middle portion. Drawn? Chalo, I will show you how it to. See kids, take a scale and draw a middle line. Yes, draw it. Come on. Paper should be divided in two parts. Paper should be divided in two parts. And middle section. Yes. Draw very properly. Do one thing. Draw a line of 10 centimeter. Draw a line of 10 centimeter. Okay. Yes. Draw a middle line of 10 centimeter. Middle line को 10 centimeter के इसमें draw करिए. हो गया draw? चलो जल्दी जल्दी कर लो. Okay. Everybody have done in 10 centimeter. Very good. After that, line को draw करने के बाद आपको triangles बनाने हैं, four triangles lines के
एक बाजू में लाइन है दूसरे बाजू में, मैंने किया है दिखा आपको। सबको दिख रहा है? यस, देख लीजिए सब लोग। हाँ, दोनों लाइंस के इसमें बीच में से हमने चार ट्रायंगल्स बना रहे हैं। ओके, आपको आ गया चार ट्रायंगल्स, देख लीजिए। इस तरीके से आप ट्रायंगल्स बनाओ, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। यस, टेन सेंटीमीटर को भी दो पार्ट में डिवाइड करके 5 सेंटीमीटर के इसमें आप दो ट्रायंगल्स बना लीजिए, आपको पूरा आ जाएगा। देखो मेरा ड्रॉ हो गया, वेरी गुड। अब भी इस तरीके से बनाओ, यू शुड हैव टू ऑल्सो मेक इन सेम पार्ट द फोर ट्रायंगल्स, वन इज अपवर्ड, सेकेंड इज डाउनवर्ड। व्हाट आर द ट्रायंगल्स? क्योंकि फर्स्ट वाले हम लोग ने इसके सेकंड वाले सेक्शन में लेक्चर्स में हमने सर्कल बनाए थे, अब ये सेक्शन में हम ट्रायंगल्स बनाएंगे। ओके, ट्रायंगल्स ड्रॉ हो गए। यस, नाउ ट्रायंगल्स के दोनों पॉइंट जो है, द बोथ द पॉइंट्स यू शुड ड्रॉ अगेन, अ सेम लाइन शुड बी ड्रॉन एज इट शुड बी, 15 सेंटीमीटर ऊपर नीचे में दोनों। देखिए मैंने किया है, हमारे 10 सेंटीमीटर में सिर्फ दो ट्रायंगल्स आते थे, दो ऊपर दो नीचे, यानी टोटल 4। वैसे ही दोनों ट्रायंगल्स के जब अपर रिलेशन आते हैं तो उसमें ट्रायंगल्स के हमारे 4 ट्रायंगल्स आएंगे। इस तरीके से लाइन्स आनी चाहिए, यानी 20 सेंटीमीटर की लाइन बनेंगे। फाइव सेंटीमीटर लाइन बढ़ गई, 5 इधर 5 उधर हो गई 15। वेरी गुड, इस तरीके से आएगा फिर आपका दोनों जॉइंट। आ रहा है जॉइंट? देखिए मेरे भी कितने ट्रायंगल्स आए हैं, वो दो से हमने कितने ट्रायंगल्स बनाए, 5 ट्रायंगल अप 5 ट्रायंगल यानी डाउनवर्ड। अरे टोटल 10 ट्रायंगल्स आ गए। अब 10 ट्रायंगल्स में हम और ट्रायंगल्स बनाएंगे। देखिए मैंने नीचे के साइड में एक और एक ट्रायंगल बना दिया। यस, इस तरीके से ट्रायंगल शुड बी इन अ गुड पोजीशन, ट्रायंगल जरा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इसके लिए स्केल यूज करना बहुत जरूरी है, वी शुड हैव टू यूज अ स्केल। यस, वी शुड हैव टू यूज अ स्केल। देख लीजिए, बन गए आपके ट्रायंगल्स। वेरी गुड, ट्रायंगल्स हो गए। गुड, उसको जॉइंट करके हमने पूरा ट्रायंगल्स बना लिया। अब आगे कंटिन्यू करेंगे डाउनवर्ड में, और हमें एक और एक ट्रायंगल बनाना है सेम इसी तरीके से। आ गया आपका ट्रायंगल, वेरी गुड, करो जरा मेरे जैसे ही सेम। आ गए, देखो फिर मैंने और ट्रायंगल्स उसमें ज्वाइन कर दिए, और टोटल 6 ट्रायंगल्स आएंगे हमारे, 3 एंड 3। मतलब पहले हम लोगों ने कितने बनाए थे, 10 और 6, टोटल 16 ट्रायंगल्स आएंगे हमारे, और 16 के बाद वापस और दो दो ट्रायंगल्स ऐड होंगे, जिसमें हमारे टोटल ट्रायंगल्स रहेंगे 20। देखो मैंने कैसे ज्वाइन कर दिया हूँ, आप भी ज्वाइन कर लो। यू शुड हैव ऑल्सो टू ज्वाइन लाइक दैट, सेम एज यूजुअल व्हाट आई हैव ड्रॉन।
हो गया ठीक से ड्रॉ। वो ड्रॉ करने के बाद ये देखिए हमारा इस तरीके से हमारा ड्राइंग आ जाएगा ट्रायंगल्स का। उसमें देखिए आपको बड़े ट्रायंगल भी दिखता होगा, दिख रहे हैं? यस। हमने कितने ट्रायंगल्स टोटल बनाए? टोटल 20 ट्रायंगल्स बनाए हमने। काउंट कर लीजिए सब लोग, सभी लोग काउंट कर लो। आ गए 20 ट्रायंगल्स। इसी तरीके से स्लोली स्लोली आप ठीक से लाइन लगा के आराम से स्लोली पॉइंट टू पॉइंट, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, स्लोली करियो। जैसे हम लोग ने सर्कल कैसे आराम से किए थे, उसी तरीके से हमें इसे भी ज्वाइन करना है आराम से, बहुत रिलैक्स। कोई घाई नहीं है, कोई घाई नहीं करना है, बार बार रबर यूज नहीं करना है। विदाउट यूजिंग रबर हमें ये ड्राइंग कंप्लीट करनी है। नॉर्मल रबर यूज होना चाहिए, फिर लाइन टेढ़ी नहीं आनी चाहिए आपके हाथ से। डोंट मेक अ मिस्टेक। इफ यू आर मेकिंग अ मिस्टेक मेकिंग ऑफ ट्राइंगल्स, सो नो यूज ऑफ मेकिंग, सो डू वेरी प्रॉपरली। द पॉइंट टू पॉइंट द ट्राइंगल शुड बी मैच टू एवरी वन। कैन यू सी माई ट्राइंगल्स हाउ इट इज मैचिंग? Yes, very good. So you have done that. I feel that you are doing very good. Yes. Cool. I loved it. देखो मेरा ड्राइंग कैसा आया है। ये पोजीशन में आपका भी ड्राइंग आना चाहिए। हाँ, कोई भी ये पेंसिल से कलर मत करो, मैं सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहा था वो कलर कैसे दिखेगा। जब आई वॉज जस्ट आइडेंटिफाइंग दिस कलर ऑफ पेंसिल मार्क हाउ इट विल लुक। प्लीज डोंट ड्रॉ, डोंट डू इट, प्लीज डोंट। सी मैंने रफ कर दिया है। यस, मैंने उसको पूरा रफ कर दिया। नाउ द ड्राइंग शुड बी joining with four point and four lines. You will have a 20 triangles. आगे सबका सेम तरीके से गुड। इसी तरीके से सबका ड्रॉइंग आया होगा जिस तरीके से मेरा है, करेक्ट। अब सभी लोग कलर लेके अपने हाथ में बैठो, सबका कलर मुझे हाथ में चाहिए। एवरीवन, सभी लोग अपने अपने कलर्स लेके बैठो जल्दी जल्दी, कोई भी कलर ले लीजिए। मैंने जो कलर किया है वही कलर नहीं चाहिए मुझे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कलर ले लीजिए। बट इट शुड बी लुक वेरी गुड विच कलर यू आर एडिंग इन दैट। आप कोई भी कलर उसमें ऐड कर रहे हो तो उसमें अच्छा दिखना चाहिए। इसके लिए आपका पूरा कलर बॉक्स लेके बैठिए। देखो मैंने रफ कर दिया जो पेंसिल से मैंने किया था, सो आई डोंट वांट दैट कलर। मैंने पेंसिल कलर से कर रहा था लेकिन मुझे पेंसिल कलर नहीं चाहिए, सो मैंने पेंसिल का मार्किंग निकाल दिया हूँ। Done it is, very good. Okay, one minute, हाँ everybody. Okay, सबके पास कलर है। देखो मैंने कलर किया है, पर कलर करने से पहले मैंने देखो पिंक कलर भी यूज़ किया है और पेंसिल से जो मार्किंग किया था वो भी रखा था, तो वो दोनों निकाल के रखा हूँ मैंने। तो एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ब्लैक कलर के बॉर्डर्स हर एक लाइन जितने हमने किए हैं पूरे उसमें ठीक तरीके से करो, इट विल लुक गुड। राइट, देखो मैंने वापस सब कलर निकाल दिया हूँ, इसलिए कलर मारने से पहले ही मैंने आपको बोला था आइडेंटिफाई करो सब। एंड नाउ हर एक कलर में इसमें डालने वाला हूँ। हो गया, सभी लोग
बॉर्डर्स में जितने भी ट्रायंगल्स 20 ट्रायंगल्स के लाइन है उन सबको ब्लैक से मार्किंग करो। और बिटवीन हमने कलर्स को ठीक से मार्क करके सबसे पहले उनको ब्लैक कलर की बॉर्डर दे दी है। क्या मैंने बॉर्डर दिया है? देखो मैंने एक साइड पे बॉर्डर चालू किया करना, आप लोग भी वैसे ही करो, पहले बॉर्डर करके लो, जल्दी जल्दी बॉर्डर बना लो सब लोग। एवरीबडी शुड हैव टू डू अ बॉर्डर्स, यस डू इट क्लीन एंड नीट। देखो आया मेरा बॉर्डर सबका, पूरा ब्लैक कलर का बॉर्डर मेरा आ गया। आप लोग का भी आना चाहिए उसी तरीके से बॉर्डर, पूरा ब्लैक कलर से बॉर्डर आना चाहिए। मैंने स्केच पेन से नहीं किया है, मैंने पूरा किया है मार्किंग सेम कलर पेंसिल से ही, जो हम लोग कलर यूज करते हैं। सबका बॉर्डर इस तरीके से ब्लैक आया है। एवरीबडी शुड बी हैविंग अ बॉर्डर ऑफ द ब्लैक कलर। Just enter a pink color in middle. You can color anything. Then slowly, slowly, हर एक ट्रायंगल को हमें कलर करना है। आ रहा है सबका? सबका आ रहा है? Very good. सबका आना चाहिए। Done everybody. राइट, सबका ब्लैक कलर। स्लोली स्लोली करिए, कलर बॉर्डर के बाहर नहीं जाना चाहिए, कलर बॉर्डर के बाहर नहीं जाना चाहिए। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो, जो मैंने कलर यूज किया है उसी कलर में यूज करने की जरूरत नहीं है, सभी लोग कोई भी कलर यूज कर सकते हो। Yes, good. Very good, everyone making. I think everyone is doing very good. Very well prepared. Done. Good. Now start coloring all the boxes. Sorry, all the triangles. Everybody should be drawing all triangles. Chalo color it everyone. Start coloring. Yes, very good. Dekho maine 2 pink, 2 blue, 4 black. Dikh raha sabko? Good. Ab maine 4 blues kar diye. आ गए 4 ब्लू, यस 4 ब्लू कलर्स आ गए। गुड, आप भी वैसे ही करो, कोई भी कलर यूज करो, बट कलर शुड बी लुकिंग गुड। कलर कोई भी लाइन के बाहर नहीं होना चाहिए, सब कलर वही ट्रायंगल्स में होने चाहिए जिसमें हम कर रहे हैं। उसके बाद मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ। यस, देखो मैंने कलर करना चालू किया है। यस, दिख रहा है आपको कलर? कौन सा कलर है ये? ग्रीन। देन ओके, येलो, वेरी गुड, येलो कलर, गुड। फिर जैसे मैंने यहां पे 3 किए है, सेम आई विल डू इन अपवर्ड ऑल्सो। वापस एक बार देख लो, पहले इस तरीके से था मेरा, फिर उसको मैंने 4 ब्लैक कलर्स, 2 पिंक कलर्स, 6 येलो कलर्स कर रहा हूँ। कितने कलर येलो कर रहा हूँ? 6 येलो। स्लोली स्लोली कलर्स करते जाऊँगा मैं, आप भी उसी तरीके से करते जाओ। एवरीवन शुड बी डूइंग सेम वे लाइक मी ओनली, नो रश, कोई घाई नहीं है हमको, इधर ही ट्रेन नहीं पकड़नी हमको, बहुत आराम से करो। गुड, चलो नेक्स्ट कलर एंटर करना चालू करो। येलो के बाद हम कौन सा कलर लेंगे?
कोई भी कलर लो, मुझे तो ऑरेंज कलर पसंद है, मैं ऑरेंज ले रहा हूँ। उसके बाद स्टार्टेड ड्राइंग, स्टार्टेड कलरिंग, वेरी वेल, यस, गुड। एंड देन ट्रायंगल्स आर प्रिपेयरिंग इन कलर, ट्रायंगल्स आर कलर कमिंग इन कलर ट्रायंगल्स। हर एक ट्रायंगल को मैं कलर करते जा रहा हूँ। हो गया कलर, आराम से, कोई घाई नहीं है, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। सो आई एंटरिंग द येलो कलर नाउ, आई एम जस्ट एंटरिंग, यस, सी थ्री कलर्स ऑफ येलो, एंड जैसे मैंने थ्री कलर्स किए हैं नीचे येलो के, वैसे ही मैं ऊपर भी करने वाला हूँ येलो के। स्टार्टेड विंग द येलो कलर्स, ओके, देखो सिक्स कलर येलो, फोर कलर ब्लू, टू कलर्स पिंक एंड अगेन फोर कलर ब्लैक, द रिमेनिंग देर आर ओनली फोर ट्राइंगल्स। आपके भी ऐसे कोई तो फोर कलर्स रहेंगे, कोई भी कलर यूज कर रहे हैं ना आप लोग, बट इट शुड बी अ कलर कॉम्बिनेशन, कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए कलर में। आ गया आपका कलर्स, देखो राइट। अब मैं नेक्स्ट कलर यूज करने के लिए कर रहा हूँ। पहले मैंने पिंक किया, फिर येलो, फिर ब्लैक एंड येलो, अब लास्ट कलर मैं यूज करूंगा, मैंने बोला था ना ऑरेंज, आया ना सेम एज ऑरेंज कलर, यस आई हैव कलर्ड विद इन ऑरेंज, द रेस्ट और द रिमेनिंग ऑल शुड बी इन कलर एंड आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग दैट कलर्स इन ऑरेंज कलर। Which color? Orange. Yes. Have you found it out? देखो मैंने सब अभी ऑरेंज कलर, जितने मेरे ब्लॉक्स बाकी थे उसमें मैंने थ्री येल्लोस कर दिए थे एंड जो रिमेनिंग फोर थे उसमें मैं डाल रहा हूँ ऑरेंज कलर। पूरा ड्राइंग में हर एक कलर में कलर कॉन्टूर, ओके आई हैव प्रिपेयर माय फुल कलर, या डू आई हैव कलर ऑल ट्राइंगल्स, यस आई हैव कलर ऑल द ट्राइंगल्स। सो आपको भी इस तरीके से ही ट्राइंगल्स को सबको कलर करना है, तो सभी लोग इसी तरीके से करना चालू करो, पूरा कलर करके मुझे ये बताने की जरूरत है नहीं ना, वेरी गुड, स्मार्ट किड्स, सभी मेरे बच्चे स्मार्ट है, वेरी गुड। और उसमें एक हेडिंग देनी है ट्रायंगल्स, जैसे हमने सर्कल्स के लिए किए थे, सेम एज यूजुअल हमारे ड्राइंग बुक के टॉप लेवल पे हमें क्या करना है, क्या लिखना है, ट्रायंगल्स, TRINGLE, ट्राइंगल, आया समझ में? हमने टोटल कितने ट्राइंगल्स ड्रॉ किए, 20, यो ट्राइंगल्स, ओके। तो सभी को इसी तरीके से ड्राइंग करना है, ड्रॉ करके ठीक से उसको कलर करो एंड देन ओके एवरीबडी वी शुड कंप्लीट इट, ओके किड्स। सो thank you and be safe at your home, bye.